एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही एक स्वादिष्ट नाश्ते की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही कम टाइम में बनाकर रेडी कर लेंगे। और इस नाश्ता को हम बनाएंगे सिर्फ गेहूं के आटा से और आलू से, और बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होता है फ्रेंड्स, बहुत ही यमी बन के रेडी होता है फ्रेंड्स। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इस टेस्टी नाश्ता को हम बना लेते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, और 3 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने उबाल करके और कद्दूकस करके यहाँ पे रखा है, और ये कद्दूकस इसलिए रखा है कि ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़े। उसके बाद यहाँ पर 1/3 कप यहाँ पर मैंने डाला है गाजर, और उसी के साथ हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने बारीकी से काट लिया है, और उसी के साथ हम डालेंगे हरी मिर्च, और अब हम डालेंगे यहाँ पे लहसुन 1 चम्मच, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे अदरक 1 चम्मच, और इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, इससे बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। और उसी के साथ हम डालेंगे हरी धनिया और नमक डाल देंगे। अब हम डालेंगे यहाँ पे साबुत जीरा, और थोड़ा सा यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर मैं कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, और इसी सभी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे अच्छे से। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं हो तो आप नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे देखिए मिक्स हो चुका है, और अब आपको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। ये नाश्ता बहुत ही चटपटा बनता है, बहुत ही इजी भी है, और ये बहुत ही कम टाइम में बनाकर आप रेडी कर लेंगे। तो ये सिर्फ गेहूं के आटे से और आलू से ही बन के रेडी होता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हाथ को अच्छे से धो लेंगे और थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा लेंगे ताकि जब भी मैं नाश्ता बनाऊँ तो ये हाथों में नहीं चिपके। तो ऐसे ही करके आपको क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा इसे लेना है, नींबू का काढ़ ले लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे टिक्की का शेप दे देना है। ज़्यादा आपको बड़ा नहीं करना है, थोड़ा सा ये छोटा सा ही यहाँ पे आपको रखना है जैसे मैं बताई हूँ। तो उसी तरीके से मैं आपको एक और बनाकर बता रही हूँ, ऐसे आपको राउंड शेप करके आपको टिक्की का शेप दे देना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो चुका है, और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी सा। तो ऐसे ही करके हमने सारे टिक्की बनाकर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक ब्रेड लेंगे, और यहाँ पे मैं 6 ब्रेड ली हूँ, जितना टिक्की है उतना ही आपको ब्रेड लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे गिलास से हम कटिंग करेंगे, और ये बहुत ही अच्छे से ये राउंड शेप में आ जाता है कटिंग करने के बाद, और बहुत ही बढ़िया से कट जाता है। और ये जो ब्राउन वाला जो परत है ना, आपको इसको फेंकना नहीं है, आप इसे पोहा बना के खा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे काट करके रेडी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा काम कर लेंगे, मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, और 1/2 कप यहाँ पे गेहूं को आटा ले लेंगे, और हमको यहाँ पे घोल बनाना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके आपको अच्छे से घोल बना लेना है, और यहाँ पे आपको पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरी धनिया, और उसके बाद यहाँ पे डाल रहे हैं ये सफ़ेद वाला जो तिल है ना, उसको हम ऐड कर रहे हैं, और उसी के साथ हम ऐड कर रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स, और हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे साबुत जीरा ऐड कर रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे चिली फ्लेक्स इसलिए डालते हैं और हरी धनिया, ताकि ये जब आप नाश्ता बनाएं तो ये बहुत ही अच्छा दिखे, बाहर से बहुत ही सुंदर दिखता है। और उसके साथ 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल डाला है ताकि ये नाश्ता क्रिस्पी बने। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर दिया है हमने। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ब्रेड लेना है जो मैंने यहाँ पर काटा है, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको सॉस लगा देना है, ताकि जो मैं टिक्की बनाई थी उसके ऊपर मैं डालूँगी तो ये चिपक जाए अच्छे से। अगर आपके पास ये नहीं हो सॉस तो आप हरी चटनी यहाँ पे डाल सकते हैं, और ये देख सकते हैं इसको आपको यहाँ पे आराम से चिपका देना है, और ये बिल्कुल नहीं हटेगी, अच्छे से चिपक जाता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और आपको हाथों से थोड़ा सा दबा देना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जो मैंने घोल बनाया था ना, उसको आपको यहाँ पर डीप करना है। तो डीप करने के बाद आपको छोड़नी नहीं है, तुरंत आपको डीप करने के बाद आपको फ्राई करना है, ताकि ये ब्रेड है जो सॉफ्ट होता है तो वो घुल जाएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसे ही करके यहाँ पे डीप करके आपको यहाँ पे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ही मैं ऑयल गर्म होने के लिए रख दी थी,
तो यहाँ पे देखिए अच्छे से एक एक करके मैंने यहाँ पे चार यहाँ पे मैं रखी हुई थी यहाँ पे नाश्ता। तो ये देखिए कितना सुंदर से ये फ्राई हो गया हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 मिनट तक आपको छोड़ देनी है, उसके बाद आपको पलटना है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब टूट जाएगा। तो थोड़ा से ये पक जाए उसके बाद आपको पलटना है। तो इसको ऐसे ही अलट पलट देंगे और यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे मीडियम फ्लेम यहाँ पे करेंगे, गैस का मीडियम फ्लेम करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और ये फ्राई हो जाए अच्छे से। तो ऐसे ही करके हम यहाँ अच्छे से आपको अलट पलट देना है और ये देखिए कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये बहुत ही ईजी है, आप बहुत ही कम टाइम बनाकर आप रेडी कर लेंगे। और इसको देखिए अच्छे से हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये फ्राई हो चुका है, तो ऐसे ही करके हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद ये देखिए ऐसे ही करके मैंने सारे नाश्ते फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है और यहाँ पे मैं सर्व की हूँ सॉस के साथ। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं या ऐसे ही भी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी। तो आपको अगर मन करे तो ये सुबह या शाम में बनाकर आप खा सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।